चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं स्मूथनिंग केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि हेयर स्ट्रेटनिंग में, रीबॉन्डिंग में और स्मूथनिंग में डिफरेंस क्या होता है और इन तीनों में से कौन सी टेक्निक होती है बेस्ट, तो आज हम बात करेंगे स्मूथनिंग केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में। क्योंकि स्मूथनिंग के बाद जो नेक्स्ट टेक्निक को लॉन्च किया गया हेयर के लिए वो थी केराटिन। तो आज हम बात करेंगे कि स्मूथनिंग केराटिन क्या होता है, क्या हमें पहली स्मूथनिंग करवानी चाहिए या स्मूथनिंग के साथ केराटिन भी करवाना चाहिए, किन लोगों के हेयर को केराटिन ट्रीटमेंट करता है सूट। तो ये सारी बातें मैं शेयर करूंगी आज की इस वीडियो में, सो प्लीज गाइस लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केराटिन के बारे में और जानते हैं कि ये केराटिन क्या होता है और जो ये आजकल केराटिन नाम का जो ट्रीटमेंट है जो काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, इसको करवाने से हमें क्या क्या होते हैं बेनिफिट्स। तो जो केराटिन होता है एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसके ऊपर डिपेंड करती है हमारे हेयर की ग्रोथ। आप कह सकते हो केराटिन से ही हमारे बाल बनते हैं, जब इसकी रेशियो कम हो जाती है देन उस टाइम पे हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जिन लोगों के हेयर काफी ज्यादा ड्राई हो चुके हैं, फ्रिजी हो चुके हैं, डैमेज भी हो चुके हैं और काफी ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, उनको ये ट्रीटमेंट डेफिनेटली लेना चाहिए। और जो ये केराटिन ट्रीटमेंट है ये हर कोई ले सकता है, चाहे आपके हेयर कर्ली हैं, वेवी हैं, स्ट्रेट हैं, आप भी इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। क्योंकि इस ट्रीटमेंट का मेन बेनिफिट ये होता है आपके हेयर की ग्रोथ को इंक्रीज करना, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना और जो आपके हेयर ड्राई डैमेज हो चुके हैं उसको करना अच्छी तरह से रिकवर। तो आजकल स्मूथनिंग प्लस केराटिन काफी ज्यादा ट्रीटमेंट ये चल रहा है। पहले तो अकेली स्मूथनिंग ही होती थी, जिन लोगों के हेयर कर्ली या वेवी होते थे वो रीबॉन्डिंग करवा लेते थे और स्मूथनिंग करवा लेते थे, बट इनको करवाने के बाद यही डिसएडवांटेज होता था कि काफी ज्यादा हेयर वीक हो जाते थे, हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती थी क्योंकि इन टेक्निक्स में केमिकल का यूज किया जाता था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक केराटिन नाम का ट्रीटमेंट लॉन्च किया गया, जिसके कारण आपको हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद ना फेस करनी पड़े। चाहे आपने स्मूथनिंग करवाई है देन स्मूथनिंग करवाने के बाद आपको केराटिन जरूर लेना चाहिए, चाहे आपने रीबॉन्डिंग करवाई है देन रीबॉन्डिंग करवाने के बाद भी आपको केराटिन ट्रीटमेंट डेफिनेटली लेना चाहिए। इससे आपके जो हेयर है वो वीक नहीं होते, डैमेज नहीं होते बाद में ये रीबॉन्डिंग और स्मूथनिंग कराने के बाद, और आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ती। तो मोस्टली आजकल हर सलून में यही चलता है कि स्मूथनिंग प्लस केराटिन। वो यही आपको पूछेंगे कि मैम आपने स्मूथनिंग करवानी है कि केराटिन करानी है या स्मूथनिंग प्लस केराटिन करानी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूं, आप जब भी स्मूथनिंग करवाने जाओ तो हमेशा स्मूथनिंग प्लस केराटिन जरूर करो कि हमने स्मूथनिंग और केराटिन करवानी है, और ये दोनों एक ही साथ हो जाते हैं। सबसे पहले आपके हेयर पे वो स्मूथनिंग करते हैं और मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि किस तरह से स्मूथनिंग की जाती है, देन जब स्मूथनिंग हो जाती है देन उसी के साथ ये केराटिन नाम का ट्रीटमेंट हो जाता है स्टार्ट। इस ट्रीटमेंट में ये किया जाता है कि जब स्मूथनिंग फिनिश हो जाती है देन आपके हेयर पे ये केराटिन नाम का प्रोटीन, जिसको हम सिल्क प्रोटीन भी कहते हैं, उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया जाता है और बाद में आपके हेयर को ड्राई किया जाता है ब्लो ड्रायर की हेल्प के साथ, और जो ये सिल्क प्रोटीन की लेयर आपके हेयर पे जो ये अप्लाई करते हैं उसको फिर बाद में लॉक कर दिया जाता है, यानी कि एक परत आपके बालों पे इस केराटिन प्रोटीन की, सिल्क प्रोटीन की चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण आपके जो हेयर डैमेज है, फ्रिजी है, वीक है, वो प्रॉब्लम आपकी हो जाए सॉल्व। देन ये सिल्क प्रोटीन अप्लाई करने के बाद उसके बाद अच्छी तरह से फ्लैट आयरन का यूज किया जाता है आपके हेयर पे। इसीलिए किया जाता है कि जो ये सिल्क प्रोटीन या केराटिन की लेयर है आपके जो हेयर पे ये अच्छी तरह से हो जाए लॉक। देन इसी तरह से आपके हेयर को 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, देन थर्ड डे ही आपको दिया जाता है वॉश। तो केराटिन ट्रीटमेंट हमेशा करवाना चाहिए अगर आपने स्मूथनिंग करवाने की आप सोच रहे हो, साथ में ही केराटिन करवा लें। तो अगर आप स्मूथनिंग करवाने की नहीं सोच रहे, जस्ट आप सोच रहे हो कि हमारे हेयर वेवी हैं और काफी ज्यादा फ्रिजी हैं, हमें स्मूथनिंग कराना अच्छा नहीं लगता, आप स्ट्रेट हेयर नहीं चाहते बट अपने कर्ली और वेवी हेयर में शाइन चाहते हो, उनको सॉफ्ट और स्मूथ बनाना चाहते हो, तो आप लोगों को केवल केराटिन ट्रीटमेंट डेफिनेटली करवाना चाहिए। आप लोगों के हेयर को केराटिन ट्रीटमेंट ही करेगा सूट। जरूरी नहीं है कि स्मूथनिंग के बाद ही आपने केराटिन ट्रीटमेंट करवाना है, केराटिन का ट्रीटमेंट हर कोई ले सकता है, चाहे मैन हो, चाहे वूमेन हो, चाहे आप कॉलेज जाते हो आपके हेयर काफी ज्यादा फ्रिजी हो चुके हैं, उनको स्मूथ और सिल्की बनाना चाहते हो, काफी ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो डेफिनेटली सजेस्ट करती हूँ कि आपको एक बार केराटिन का ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए।
और इसकी कॉस्ट भी नियर अबाउट 3 to 4 thousand होती है इस केराटिन ट्रीटमेंट की, बट ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और आपके हेयर को रिकवर। गाइस स्मूथनिंग और केराटिन में जस्ट यही डिफरेंस है कि स्मूथनिंग से हेयर परमानेंटली स्ट्रेट हो जाते हैं और केराटिन ट्रीटमेंट में हेयर को स्मूथ और सिल्की बनाया जाता है। केराटिन ट्रीटमेंट करवाने से हेयर स्ट्रेट नहीं होते, जस्ट आपके फ्रिजी हेयर, ड्राई हेयर, डैमेज हेयर को वो एकदम से स्मूथ और सिल्की बना देता है, चाहे आपके हेयर कर्ली ही क्यों ना हो। अगर आपके हेयर कर्ली है, ड्राई है, फ्रिजी है, उन कर्ली हेयर को भी केराटिन ट्रीटमेंट बना देगा एकदम से स्मूथ और सॉफ्ट। और अगर आप अपने हेयर को स्ट्रेट बनाना चाहते हैं, अगर आपके हेयर कर्ली है और उसको आप स्ट्रेट करना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली स्मूथनिंग करवानी चाहिए। तो ओवरऑल गाइज मैं यही सजेस्ट करती हूँ, अगर आप स्मूथनिंग करवाने जाते हो तो साथ ही में आपको केराटिन ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। अगर आप अपने हेयर पे बार बार कलर भी करते रहते हो तो डेफिनेटली आपको केराटिन ट्रीटमेंट सूट करेगा, आपको वो डेफिनेटली करवाना चाहिए ताकि इन फ्यूचर आपके हेयर डैमेज ना हो, हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े। तो ओवरऑल गाइस यही मेजर डिफरेंस है स्मूथनिंग और केराटिन में। स्मूथनिंग में परमानेंटली हेयर को स्ट्रेट किया जाता है और केराटिन में आपका हेयर जैसे भी है उनको बनाया जाता है, शाइनी बनाया जाता है, स्मूथ और सिल्की बनाया जाता है केराटिन प्रोटीन का यूज करके। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैंने अपने हेयर पे कौन सा ट्रीटमेंट लिया है, केराटिन करवाया, स्मूथनिंग कराई है, रीबॉन्डिंग कराई है, कितनी बार करवा चुकी हूं मैं, और करवाने के बाद आप लोगों ने किन टिप्स को फॉलो करना है, कैसी होनी चाहिए आपके हेयर की रूटीन, आपने किस तरह से करनी है अपने हेयर की केयर ताकि आपके हेयर डैमेज ना हो और आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, कि मैं क्या करती हूँ ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद, यानी कि जैसी भी मेरी हेयर केयर की रूटीन है वो मैं शेयर करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो तो बेल आइकन पे जरूर करें क्लिक। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।